फ्रेंड, आप सभी को मेरे बेटे अमीर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी को रमजान का चौथा रोजा मुबारक हो। ये देखिए फ्रेंड, इसको देखिए, बदमाशी देखिए इसकी। इसमें तो कोई बदमाश नहीं है, देखिए बहुत बदमाश है। ये पूरा ये काम मेरा पसारा करके रखा है। आप बताइए इसमें क्या करना है। देखिए पूरा फ्रिज में भी काम पड़ा है, पूरा ये गंदा पड़ा है। कब साफ होगा ये, कब होगा बताइए। तब गंदा करके रखे, क्योंकि इधर अभी थोड़ा सा गोटा साफ करी हूँ मैंने। आप इस बताइए, इसके जैसे कोई लड़का होगा कि घर में? हाँ बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके जैसा और दूसरा लड़का है क्या। तो देखिए पूरा बाल्टी का पानी फेंक रहा है, देखिए बाल्टी का पूरा पानी फेंक रहा है ये लड़का। बहुत बदमाश है, इसको इधर ले जाके फेंक के आना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड, बेडरूम का क्या हाल करा है। और जबकि उसकी अम्मा रोजे से और उतना परेशान करता है। बर्तन टंगाने दीजिए, देखिए ये बर्तन ही टंगाने दे रहा है। मैं ये कब काम करूंगी? इतना महीना से ये चाहिए इसको। ये देखिए, इसके लिए देखो कैसे करता है ये, देखो। तो फ्रेंड आप सभी से मिलते हैं हम, ये सब इतना सारा काम निपटा के उसके बाद आपसे आपको दिखाएंगे हमारे रूम का फाइनल लुक। फाइनली दोस्तों देखिए, सारा काम मैंने खत्म, सारा काम फिनिश कर लियो। अब सारा काम मेरा फिनिश हो गया, दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए हमारे घर में मतलब पानी आया ना, तो उससे ये थोड़ा खराब हो गया है। फाइनली फ्रेंड मैंने अपना सारा काम कर ली थी, और उसके बाद नमाज वमाज पढ़ के हम लोग सो गए थे। अब अफ्तारी का टाइम हो गया, तो हम लोग अफ्तारी बनाएंगे। अफ्तारी में देखिए क्या मैंने लौकी के बड़े बनाएंगे हम लोग, लौकी और उड़द दाल। तो मैंने उड़द दाल को पहले से पीस के रखी हूँ, और ये लौकी को पहले से मैंने पीस के रखी हूँ। तो हम लोग पहले उड़द की दाल लेंगे इसमें, उसके बाद ये लौकी लेंगे किसी भी। उसके बाद मैंने प्याज, हरी मिर्च, धनिया सब काट के रखी हूँ। प्याज डालेंगे इसमें, धनिया डालेंगे, और ये है चावल का आटा। चावल का आटा हम इसमें अपने जरूरत के हिसाब से डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, मैं अपने टेस्ट के अनुसार डालूंगी। अच्छे से मिलाएंगे, और इसको मिलाने के बाद हम लोग इसको 5 मिनट छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। उसके बाद और हमने ये कढ़ाई रख दी है ताकि ये कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए। तेल हमने रख दिए गर्म करने को, तब तक कढ़ाई गर्म होगी तो हम सबसे पहले फिंगर और पप्पड़ तलेंगे। और ये जो पप्पड़ है ये मेरे मम्मी ने बना के भेजी है। इसकी भी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और इधर हमारी भाजी पक रही है, इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो और कोई अपने घर में पका पाइए। फाइनली हमने इसको अच्छे से मिला लिए है। अब इसको मिलाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट। फाइनली दोस्तों 5 मिनट हो गया है, और हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें बड़े बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हाथ में थोड़ा सा पानी लगाना है ऐसे ऐसे, और ये हमको देखिए देख के कैसे लगा देंगे सारे बड़े को हमें ऐसे ही फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई होते हैं एकदम गोल्डन कलर आते ना फ्राई करना। आप भी रमजान में जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये सब पकाने में। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आसानी से जल्दी से बन भी जाते हैं, क्योंकि रमजान में टाइम नहीं रहता है, हमें जल्दी जल्दी पकाना पड़ता है क्योंकि और भी चीज़ें होती है पकाने की। अच्छे से अल्टी पट्टी करना है हमको ताकि ये अच्छे से सीक जाए, और ये बड़े बाहर से एकदम क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट, कम टाइम में अच्छी डिश है। बहुत गर्म है, ऐसे ही करके हम ये सारे बड़े तल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली हमारा सारा फ्राई करके हो चुका है और इफ्तारी का भी टाइम हो गया है, हम मिलते हैं आपके साथ इफ्तारी के टाइम। सारा फ्राई हो चुका है, अभी हम इसको टेस्ट करके अफ्तारी के टाइम पे बता सकते हैं आपको कैसा बना। ठीक है, मिलते हैं फिर अफ्तारी के टाइम पे। अफ्तारी का टाइम हो गया, चलो आपको हमने जो लौकी के बड़े बनाए थे वो बता रहे टेस्ट करके कैसा बना है, और देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छे बने। आप भी रमजान के टाइम पे अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा ये बनाने का, एकदम चटपटा बना है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।